दोस्तों, घर और किचन के काम के लिए कुछ अगर हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज ले लेते हैं तो हमारे काम बहुत ही आसान हो जाता है, साथ में हमारी बचत भी हो जाती है और घर भी ऑर्गेनाइज रहता है। दोस्तों, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हैं जो कि घर के काम को बहुत ईजी कर देगा। वीडियो इन तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर नए आए हैं तो जानकारी लीजिएगा, हमारे चैनल पर ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की पहली टिप्स। अच्छा, पसंद आने वाला है, बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर बताने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने ले लिया है इस तरीके से मूंग के दाने, कुछ इस तरीके से 10-15 दाने डाल देने। आप यहाँ पे मूंग नहीं है ना तो आप मटर के दाने ले सकते हो, सूखे वाले जो गोल गोल होते हैं उसका भी यूज कर सकते हो। तो उसको अब हमें इसे करना क्या है, देखिए यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद मैं जो इसकी दूसरी थाली होती है ना उसे इस तरीके से प्लेट रख दूँगी, ठीक है। अब आप इसे इस पर जो भी चीज़ें सजाना चाहते हैं ना इस तरीके से आप सजा के रख दीजिए। अब दोस्तों, इसे आप इस तरीके से ड्रेसिंग टेबल पे रख देते हो तो देखिए कितने अच्छे से आपको लेने में इजी लगता है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए बहुत ही अच्छे से आप अपने तरीके से ले सकते हो, या फिर इसे किचन में भी आप यूज करके रख सकते हो। तो देखिए कितना अच्छा से एक सोल्यूशन बन के रेडी हो जाता है ना घर में ही बिना किसी खर्चों के, और देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, हमारा काम भी ईजी हो जाता है। दोस्तों, इस तरीके से जो है आप अगर मार्केट से ऑर्गेनाइजर खरीदने जाते हैं तो कितने ज़्यादा पैसे लगते हैं आपको ही पता है। यहाँ पे आप केक डेकोर के लिए भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि इसे घुमा घुमा के जो है डेकोर करना पड़ता है। तो आप बड़ी थाली ले लीजिए, उस पर आप ये ट्रिक कर लीजिए। और जी जो प्लेट है ना आप बेस्ट वाले ले लीजिए, जो कि घर में यूज नहीं करते हैं, आप उसका भी यूज करके इस तरीके के घर के सजावट कर सकते हो। कितनी अच्छे से एक वर्क करता है ना, ऐसा करती है। टिप्स आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। दोस्तों, हमारी आज की जो अगली टिप्स है फ्रेंड्स वो है तरीके गिलास से रिलेटेड। अक्सर आपने देखा कि हमारे घर में कुछ ऐसे गिलास होते हैं ना जो कि बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं और उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, कहीं कहीं से वो क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं। दोस्तों, इसका यूज हमें कैसे करना है बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, जिससे आप इसका यूज भी कर सकोगे और आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से जो गिलास है ना, जो बेकार पड़े गिलास होते हैं इसका, इसमें मैंने चावल भर दिए, जो भाई जो घर में खाने बनाने में यूज करते हैं। अब दोस्तों, इसका यूज कैसे करना है, बहुत ही अच्छा से एक स्टैंड बन के रेडी हो जाता है। आपके घर में जितने भी चम्मच वगैरह है ना, अगर आपके पास चम्मच होल्डर नाइज भी रहेगा और आपको देखने में भी खूबसूरत लगेगा। देखिए इसमें सारी घर की जो चम्मचें हैं ना वो सारी की सारी आ जाएगी आपको एक ही गिलास में, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी, और ये गिरेगा भी नहीं, जब चाहे आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो, है ना ये कमाल के आइडिया। तो कैसा लगा ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जरूर बताइएगा, आशा करती हूँ ये आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे, यूजफुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो घर दोस्तों, हमारी आज की जो अगली टिप्स है फ्रेंड्स वो है इस तरीके से थैले से रिलेटेड। अक्सर इस तरह के जो थैले होते हैं ना, हम लोग बहुत सारे लोग इस तरह से मार्केट ले जाते हैं या फिर कहीं सफर पे जाते हैं, 1-2 दिन के लिए जाते हैं, तो क्या होता है इस तरीके के थैले में जो ना पर्स नहीं होती है, चेन नहीं होती है, छोटे पॉकेट नहीं होते अंदर में। दोस्तों, आप क्या कर सकते हो ना, जब भी आपको इस तरीके की पर्स कैरी करते हो, बैग ज़्यादातर बड़े लोग करते हैं, मम्मियाँ हो गई, दादी लोग हो गए, तो क्या होता है उनके लिए दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी कि पैसे वगैरह कहाँ रखें। तो आपको क्या करना, जैसे इसमें तो है, इसमें तो पर्स दिया हुआ है, बट बहुत सारे थैलों में जो है नहीं होता है, नहीं होता है ना, तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक छोटा पर्स ले लीजिए आप, ऐसे यहाँ पर इस तरीके से टक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरीके से करने से ही आपका एक बहुत ही अच्छा सा पर्स बन के रेडी हो जाता है, और आराम से आप जो है पैसे वगैरह कैरी करके ले जा सकते हो, और आपको टेंशन भी नहीं रहेगा कि कहाँ मैंने पर्स पैसे रखे हैं, और गुम होने का भी टेंशन नहीं रहेगा कुछ इस तरीके से। देखिए कितनी अच्छी सी एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो जाती है। अगर आपके पर्स में नहीं है इस तरीके से, आप इस तरीके से बना के अपना काम ईजी कर सकते हो। कैसा लगा ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग जरूर बताइएगा, आशा करती है ये ट्रिक आप लोग को अच्छे लगेंगे, यूजफुल लगेंगे, है ना ये कमाल के आइडिया। तो हमारी आज की जो अगली टिप्स है फ्रेंड्स वो है इस तरीके से जो एक्सपायरी हो जाते हैं दवाइयाँ, क्योंकि हमारे घर में कभी न कभी किसी की तबीयत खराब होने की वजह से आती रहती है। दोस्तों, इस तरीके से दवाइयाँ एक्सपायरी हो जाती है, इसे आप फेंकने के बजाय इसे आप संभाल के रखिए, बहुत सारी चीज़ों में आप इसका यूज कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं इसका बहुत ही अच्छे से यूज बताने वाली हूँ, जिसे देख कर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, हमें दवाई वही लेनी है जो कि व्हाइट कलर की हो। दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर में है ना दवाइयाँ वगैरह आती रहती है, कुछ इस तरीके से कलरफुल टैबलेट भी होते हैं, बट यहाँ पे आज मैं जो ट्रिक्स बता रही हूँ वो वहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ व्हाइट जो दवाइयाँ होती है ना इसके टैबलेट, वो वाला चाहिए। दोस्तों, इसका यूज कैसे करना है, यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया एक बॉल, आप इससे बड़े भी ले सकते हो जितने की आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो।
अब देखिए इसकी जो वाइट टेबलेट है ना, इसे इस तरीके से निकाल के इसमें डाल दिया है मैंने, 2-3 के करीब इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा वार्म पानी, हल्का सा गर्म पानी है, ज़्यादा गर्म नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही पानी डालेंगे ना, गर्म पानी में बहुत ही अच्छे से घुल जाता है, बहुत ही जल्दी घुल जाता है ये दवाइयाँ जो है, इसे अपने से घुलने दीजिए। अब देखिए कैसे, जैसे ही मैंने पानी डाला, ये पूरी तरीके से ये घुल चुका है, ये कुछ इस तरीके से। अब इसका यूज कैसे करना है दोस्तों, जैसे कि देखिए हमारे घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं, खासकर जो छोटे बच्चे जिनकी रोज़ मालिश होती है, और मालिश होने की वजह से, तेल लगने की वजह से ना, बहुत सारे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं उनके गंजी वगैरह, खासकर इस तरीके जो बनियान होते हैं ना, उसमें ज़्यादा गंदे लगते हैं और पीले पीले दाग पड़ जाते हैं। तरीके जो व्हाइट कपड़े हैं ना, आपको सिर्फ वही लेना है इसमें, और अलग कलर के कपड़े नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है, 2 गंजी है इस तरीके से, आपके पास जितने भी कलर इस तरीके से लगते हैं कि आपके कपड़े जो है ना ख़राब हो चुके हैं, कलर लग चुके हैं, फेड हो चुके हैं, आप इस तरीके से पानी में डाल दीजिए, इस तरीके दवाई के घोल वाले में। अब इसके 10-5 मिनट के लिए से ऐसे ही छोड़ दीजिए, देखेंगे कि कुछ ही जो है ना, इसमें जो है ना सारे गंदगी छोड़ने लगती है, बिना सर्फ और साबुन के बहुत ही अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है। तो इसे कुछ देर रखने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। अब इसका जो पानी बच जाता है दोस्तों, हमें क्या करना है, ये जो ठंडा हो जाए पानी, गर्म गर्म नहीं, जब ये पानी ठंडा हो जाए, हम लोग इससे कपड़े निकाल ले, तब इस पानी का जो है आप छिड़काव कर दीजिए अपने पेड़ पौधों पर, तो उस पर जो भी कीटनाशक, जो कीड़े मकोड़े बैठते हैं ना थोड़े बहुत, वो भी चले जाएंगे, और आपको एक ही चीज़ से दो दो फायदा हो। देखिए पानी कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है बस अभी कुछ ही सेकंड में, तो देखिएगा कि कुछ ही देर और रखने के बाद ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो हुआ ना, एक ही चीज़ से दो दो फायदे हो जाएंगे, हमारे कपड़े भी साफ हो जाएंगे और पानी से हम लोग के पौधे भी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो कैसा लगा ये आइडिया आप लोग जरूर बताइएगा, आशा करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे। तो हमारी आज की जो अगली टिप्स है फ्रेंड्स, वो है इस तरीके से, अक्सर हम लोग की शिकायतें होती है कि हमारी साड़ियाँ जो है बिल्कुल भी अच्छे से हैंगर में सेट नहीं रहती है, वो हमेशा सरकती रहती है। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूँ जिससे कि आपकी साड़ियाँ तो अरेंज रहेंगी, साथ में जगह भी कम लगेगा और कपड़े सरकेगा भी नहीं। दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, इस तरीके से जो है ना हैवी वाली साड़ियाँ होती है वो हम बहुत जल्दी इस तरीके से खुल जाती है। आपको क्या करना, इसे जो है इस तरीके से सबसे पहले जो है ना इसके बॉर्डर वाले जो हिस्से ना, आप इसे हैंग कर दिए। ठीक है, आप क्या करना है दोस्तों, अब जो इसके पीछे वाले पार्ट है ना, इसे आप इस तरीके से ले आइए इधर की ओर, और इसे 4 भागों में बांटना है। अब देखिए इस तरीके से जो बाकी का बच गया, आप इस तरीके से इधर डाल दीजिए, ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से डालेंगे ना तो ये जगह में लंबाई भी कम होती है इसकी, और ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सेट हो गया, तो बिल्कुल भी अब खुलेगी नहीं, और देखिए इसकी जगह ऊंचाई भी कम होगी, तो आप कबर्ड में रखेंगे तो आपको नीचे भी रखने के लिए बहुत सारे जगह जो मिल जाएंगे, और बिल्कुल खुलेगी नहीं। तो हो गया ना 1 मिनटों में हमारा सॉल्यूशन। तो कैसा लगा ये ट्रिक आप लोग जरूर बताइएगा, आशा करती हूँ टिप्स भी आप लोग को अच्छे लगेंगे, यूजफुल लगे होंगे।